मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मध्य प्रदेश में अंतिम चरण का मतदान 19 मई को होने जा रहा है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि काउंटिंग हॉल के अंदर सीसीटीवी लगे होंगे, लेकिन इन सीसीटीवी कैमरों की वेबकास्टिंग नहीं होगी और काउंटिंग सेंटर में वाईफाई भी नहीं होगा, लीज लाइन से सभी कनेक्शन होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बाबा ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और साध्वी प्रज्ञा के बयान पर प्रतिवेदन सेंट्रल को भेजा गया है। मतगणना स्थल पर जो एक स्ट्रांग रूम से जो सीसीटीवी जिसके बाहर लगी हुई है, उस एरिया से लेकर जो मतगणना का जो काउंटिंग हॉल है, जो उसके बिल्डिंग में दूसरे कमरे में जो काउंटिंग होता है, वहां तक पूरी जो एरिया है वो सीसीटीवी के निगरानी में रहेगी। ये सिर्फ सीसीटीवी होगा और उस मतगणना स्थल पर जो रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर बैठे हैं, वो लोग अपना एक अपने कमरे में एक टीवी में इस सीसीटीवी का फुटेज देख सकेंगे। उस सीसीटीवी का वेबकास्टिंग नहीं होगा, ये उस मतगणना केंद्र के स्थल पर जो बैठे अधिकारी है वही सीसीटीवी देखेंगे। उसके बाहर राज्य स्तर पर या दिल्ली स्तर पर उसका कोई वेबकास्टिंग नहीं होगा, लेकिन ये सीसीटीवी उस पूरे मतगणना केंद्र को कवर करेगा, जहां स्ट्रांग रूम से मशीन निकालने के लेकर जो कॉरिडोर में मशीन लेके जाते हैं काउंटिंग हॉल तक, और काउंटिंग हॉल के बाहर जो गेट लगी है उसको कवर करेगा। काउंटिंग हॉल के अंदर भी हम वीडियोग्राफी कराएंगे, सीसीटीवी लगा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि पूरा जो काउंटिंग की व्यवस्था है वो सीसीटीवी के निगरानी में रहेगा। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।